हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे पैकेजिंग सेक्टर से एक स्टॉक के बारे में और जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और उसको देखते हुए स्टॉक का क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी का नाम है EPL लिमिटेड और EPL लिमिटेड जो है पैकेजिंग से रिलेटेड काफ़ी प्रोडक्ट बनाती है। मैं आपके सामने रखूँगा कि क्या क्या प्रोडक्ट जो है कंपनी बनाती है। और सबसे पहला जो प्रोडक्ट जो बनाती है कंपनी, ओरल केयर के लिए बनाती है। ये सारे के सारे ट्यूब्स आप देख रहे होंगे, तो इन कंपनीज के लिए जो है ये कंपनी ट्यूब्स जो है बनाती है ओरल केयर से रिलेटेड जो है एंड प्रोडक्ट जो आते हैं मार्केट के अंदर। एंड साथ के साथ देखें तो ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स के ट्यूब्स देख सकते हैं आप इस तरीके से, ये जो होते हैं। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो फार्मा एंड हेल्थ के लिए ये जो ट्यूब्स जो आते हैं। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फूड एंड न्यूट्रिशंस वाले ये जो ट्यूब्स जो हैं। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो होम केयर, तो होम केयर में इस तरीके से ये जो ट्यूब्स जो आते हैं। तो इस तरीके से जो है कंपनी के पास में एक पूरा का पूरा इनका प्रोडक्ट सेजमेंट है। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो लेमिनेट्स, एक तो लेमिनेट का जो है इनका कंपनी का एक सेजमेंट है, प्रोडक्ट सेजमेंट है। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो लेमिनेटेड ट्यूब्स इस तरीके से, एंड एक्सट्रूड ट्यूब्स जो रहते हैं, एंड साथ के साथ कैप्स एंड क्लैप्स एंड क्लोजर्स, ये जो कैप्स जो होते हैं ना ट्यूब्स के, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड डिस्पेंसिंग सिस्टम ये जो रहते हैं। तो कंपनी का ये एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। एंड यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इस बार Q1 FY22 जो रहा, इसका डबल डिजिट ग्रोथ जो है 12.8% की देखने को मिली है प्रोफॉर्मा फॉर शटडाउन ऑफ रशिया मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एंड हैंड सैनिटाइजर पाइपलाइन Q1 FY21। तो डिलीवर किया सिक्वेंशियल मार्जिन एक्सपेंशन बाई 6 BPS, प्राइस इंक्रीज टेकन अक्रॉस द बोर्ड अहेड ऑफ प्लान। तो इस तरीके से जो है आप कंसोलिडेशन अगर फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे मिला के, परफॉर्मेंस जो है एक अच्छी खासी आती हुई दिखी है। रेवेन्यू में देख सकते हैं, ROCE में देखेंगे, डेप्ट कंपनी ने कम की है, प्रॉफिटेबिलिटी में देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में हालांकि जरा सी एक परफॉर्मेंस डाउन गई है। यहाँ पे अगर बात करें कैपिटल एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी, रेवेन्यू ग्रोथ की, तो रेवेन्यू में अगर आप देखेंगे तो बढ़त देखने को मिल रही है, डेप्ट कंपनी ने कम की है, ROCE भी देखेंगे वो भी बढ़त देखने को मिल रही है, केपेक्स में भी अगर आप देखेंगे तो केपेक्स भी किया है इन्होंने। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो एक रॉ मटेरियल के प्राइस जो है एक हाई है, वॉलीटाइल भी है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो वॉलीटिलिटी जरूर देखने को मिल रही है, हाई साइड भी है। एंड यहाँ पे अगर बात करेंगे तो एक इविटा मार्जिन इम्प्रूवमेंट है, प्लान ऑन ट्रैक है, कंटिन्यू फोकस है इनका कैपिटल एफिशिएंसी पे और प्रूडेंट केपेक्स स्पेंड कर रहे हैं, लीडिंग कर रहे हैं, डेप्ट रिडक्शन धीरे 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 करके आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर डेप्ट को जो है कम कर रहे हैं, तो इससे एक कंपनी को फायदा मिलेगा। एक्सेलरेटेड ग्रोथ इन पर्सनल केयर, कंटिन्यू लीडरशिप है ओरल केयर में, इम्प्रूव कर रहे हैं परफॉर्मेंस अपनी यूरोप के अंदर, इंडस्ट्री लीडरशिप है, इको फ्रेंडली सॉल्यूशन। तो पर्सनल केयर में अगर आप देखेंगे कंपनी के पास में तो ये जो है इनका एक ग्रोथ है लास्ट 10 ईयर की 15.7% की, और धीरे 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 करके कंपनी ने देख सकते हैं FY11 के अंदर ये कुछ कैटेगरीज में जो है कंपनी अपने प्रोडक्ट जो तैयार करती थी फेस केयर में, फिर धीरे धीरे देखेंगे तो कंपनी ने अपने आप को किस तरीके से देख सकते हैं बढ़ाया है। यहाँ पे देखेंगे आप तो कंपनी के पास में देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा खासा इन्होंने जो है अपनी कैटेगरीज को एक डिफाइन कर लिया है धीरे 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 करके। मुझे लगता है आगे और भी ये जो है डिफाइन करती हुई नजर आएगी कंपनी। पर्सनल केयर का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, 46% हो गया है, कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है पर्सनल केयर वाले सेजमेंट के थ्रू। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू लीडरशिप है कंपनी के पास में, कस्टमर्स देखेंगे तो एक अच्छे खासे हैं, कॉलगेट, PNG, यूनिलिवर, GSK, टॉम्स, लेवी, डावर, इस तरीके से जो है इनके पास में मौजूद हैं, जो क्लाइंटेल इनके मौजूद हैं। एंड इम्प्रूव कर रही है परफॉर्मेंस अपनी यूरोप के अंदर भी धीरे धीरे। एंड यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इंडस्ट्री लीडरशिप है, इको फ्रेंडली सॉल्यूशन कंपनी जो है प्रोवाइड कराती है, सस्टेनेबिलिटी जो है कंपनी के पास में मौजूद है एंड एक फोकस्ड है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये प्रोडक्ट ऐसा है कि इसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी, ऐसे प्रोडक्ट जो है कंपनियां लॉन्च करती रहती हैं, FMCG है, फार्मा वाली हैं, तो कंपनियां जो है लॉन्च करती रहती हैं काफी तरीके के प्रोडक्ट, तो ये जो है डिमांड इनकी रहेगी ही रहेगी। लुकिंग अहेड देखेंगे FY22 तो कमिटेड है डबल डिजिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ के लिए, एंड क्वार्टर इंप्रूवमेंट कर रहे हैं अपने EBITDA मार्जिन को,
सस्टेनेबिलिटी है, की ड्राइवर ईपीएल इज अ लीडिंग वेव ऑफ द इंडस्ट्री, एंड कोविड थ्री की थोड़ा सा एक वेव की वजह से थोड़ी सी रॉ मटेरियल के प्राइस में एक वॉलेटिलिटी रह सकती है, हालांकि वैसे सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी की तरफ से, और मुझे लगता है कि आगे एक बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ से अगर कंपनी का एग्जीक्यूशन अगर होता हुआ दिखता है तो बढ़िया परफॉर्मेंस आती हुई दिख सकती है, देख सकते हैं। ब्यूटी कॉस्मेटिक, फार्मा, हेल्थ, फूड, होम, ओरल, तो ये एक ऐसा एरिया है। अगर रेवेन्यू स्प्लिट की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा इनका जो रेवेन्यू आता है वो ओरल केयर से आता है, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक, फिर फार्मा, फिर अदर्स। तो तीनों के तीनों सेगमेंट देखें तो ग्रोइंग सेगमेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी कंपनी है जिनको ये अपने प्रोडक्ट जो है सप्लाई करते हैं, तो एक अच्छा खासा बिजनेस है कंपनी के पास में, ईपीएल के पास में। पैकेजिंग स्टॉक्स में वैसे ही अच्छी खासी बढ़त जो है देखने को मिल रही है, होपफुली इस स्टॉक में भी जो है आपके आपको एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टॉक का आप चाल भी देख सकते हैं, स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट भी जो है देखने को मिल रहा है, जबरदस्त परफॉर्मेंस हो रहा है स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, बढ़िया। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये स्टॉक में देखेंगे एक अच्छा खासा इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिला है, ये स्टॉक ने जो है हाई लगाया है, तो इस हाई के बाद में देखेंगे तो ये जो है लो लगा है, और इस लो के बाद में अगर आप देखेंगे तो 38.2% की रेजिस्टेंस के नीचे, हालांकि स्टॉक अभी भी जो है मूवमेंट दिखा रहा है, तो ये थोड़ा सा एक देखने वाली बात है कि यहाँ से ये ऊपर निकलता कब है, और ऊपर निकलने के बाद में 275 रुपए के ऊपर ये जो है एक दोबारा से जो है एक ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, एक बुलिश रेंज की तरफ जो है स्टॉक निकल जाएगा 275 के ऊपर। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि पहले 275 के ऊपर इसको निकलने ही दें, ये मतलब यहाँ का अगर आप देखेंगे ना एक एरिया, ये वाला एरिया जो है इसने जो डबल टॉप जो ट्रिपल टॉप सा जो लगाया है 290 के आसपास, यहाँ से ऊपर निकले मेरे हिसाब से तब खरीदने में ज्यादा अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि ये महीनों का जो कंसोलिडेशन है यहाँ से बस ऊपर निकल जाए, अगर आप यहाँ भी अगर इसको खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ भी इसको परचेस कर सकते हैं 232, 230, 240 के आसपास। नीचे आपको जो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा वो करीब 200 रुपए के आसपास का लगेगा, नीचे जो स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है 200 रुपए के आसपास का आ रहा है, यहाँ भी आप परचेसिंग कर सकते हैं, लेकिन और ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इसको 300 रुपए के आसपास परचेस करेंगे, क्योंकि यहाँ से वहां से फिर ये शूट होगा अचानक, और अच्छा खासा एक शूट हो सकता है, परफॉर्मेंस अच्छी आ सकती है। एंड वीकली लेवल पर अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन जो है देखने को मिल रहा है, ये कंसोलिडेशन जो है ये ओवर हो सकता है आने वाले टाइम में, तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से इसमें सिप आप कर सकते हो, क्वार्टर एंड क्वार्टर की सिप रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। आप देख सकते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर आपको एक जगह पे काफी समय हो जाता है स्टॉक को जो है खड़े हुए, ये मंथ और मंथ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक परफॉर्मेंस इसकी ज्यादा ऐसी कुछ खास नहीं आ पा रही है, काफी टाइम हो जाता है एक ही जगह पे जो है इसको, महीने महीने हो जाते हैं, महीनों के महीने हो जाते हैं एक ही जगह पे, तो स्टॉक को देखा आप सिप के थ्रू लेंगे तो एक अच्छा खासा रहेगा। मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी ये स्टॉक जो है आपको 1 से 1.5 साल का अगर आप एक व्यू रखते हैं तो 40-50% की मूवमेंट अगर आपको ऊपर की दिखा दे तो बहुत ही सो फार सो गुड है, और डिमांडेबल रहेगा। हालांकि थोड़ा रॉ मटेरियल में जरूर इनके में एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, एक अनसर्टेनिटी जो है देखने को मिल रही है, आगे थोड़ा सा कोविड नॉर्मल सी होने के बाद में एक परफॉर्मेंस कंपनी की जो है आ सकती है। तो ईपीएल की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 8 की EPS है, 2 की फेस वैल्यू है, 1.71 की डिविडेंड यील्ड है, मार्केट कैप देखेंगे तो स्मॉल कैप कंपनी है, डिविडेंड देख लें रेगुलर दे रही है या नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत जरूरी है, रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है, ये अच्छी खासी बात है, 2020 में तो 2 बार दिया है, अच्छा है। एंड बोनस की अगर बात करेंगे, हाँ बोनस भी दे रही है, 2018 में 1:1 का बोनस भी दिया है, तो अच्छा मुझे लगता है ठीक ठाक है बिजनेस, ठीक है कंपनी का फंडामेंटली तो अच्छा है ये। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में ग्रोथ दिख रही है ईयर ऑन ईयर, प्रॉफिटेबिलिटी भी देखेंगे तो ग्रोथ के थ्रू बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर, मतलब डिमांड है, प्रोडक्ट न्यू इनोवेशन होते ही रहते हैं तो प्रोडक्ट में जो है डिमांड आती रहती है, पैकेजिंग वैकेजिंग के तो नए प्रोडक्ट ये निकालते रहेंगे। डेप्थ देखें क्या अच्छी खासी डेप्थ को भी धीरे धीरे ये कम करते हुए नजर आ रहे हैं ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू देखेंगे तो हर तरीके से बढ़ रहा है इनका प्रॉफिट, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी अच्छा खासा रेवेन्यू जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी चाल अच्छी खासी देखने को मिल रही है, होपफुली स्टॉक यहाँ से जो है बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। FIADI के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग जो है मौजूद है कंपनी में, एंड यहाँ पे अगर बात करें तो 14 की ROE है कंपनी की, डेप्ट धीरे धीरे कंपनी कम कर ही रही है ईयर ऑन ईयर, तो इस तरीके से अगर एक्विजिशन अगर एग्जीक्यूशन अगर चलता रहा तो मुझे लगता है कंपनी एक अच्छा खासा काम जो है आगे करके आपको दिखा सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपको इस स्टॉक से रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।